गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का करेंगे, जो हमें बेसिक में भी हेल्प करे और एडवांस में भी। हम इसमें हर एक की डेफिनेशन, टाइप्स, रूल्स और सम एग्जांपल्स की उससे देखते हुए चलेंगे। एग्जांपल्स हम लास्ट में हर एक टॉपिक के एंड में करते हुए चलेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाउन। इसमें हम ये नाउन कंप्लीट करेंगे। नाउन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम सभी को पता है कि ये किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं। इसके पांच पार्ट होते हैं, पांच टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन में देखते हैं। तो कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो भी कॉमन प्लेस, थिंग या फिर किसी पर्सन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी मैन, टाउन, सिटी और ऐसे ही। प्रॉपर नाउन, जब हम इन्हीं को स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैन का राम, राम को हमने स्पेसिफाई कर दिया। राम इज़ माई बेस्ट, राम इज़ माई फ्रेंड, आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली को हमने स्पेसिफाई कर दिया। सिटी को हमने एक स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होती है जो किसी भी पीपल का ग्रुप होता है या थिंग का ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड भीड़, इसका मतलब भीड़ है। भीड़ किसी एक या दो बंदे से नहीं होती, बहुत सारे बंदों से भीड़ होती है। गैंग, गैंग में एक दो बंदे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही आर्मी, स्कूल। फिर आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वे नाउन्स होते हैं जो जिन्हें हम मटेरियल और सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं थिंग्स में, जो हमने बनाई हैं या हैं पहले से ही। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये के सारे हमारे मटेरियल नाउन्स होंगे। अब इसमें आता है लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैगा समथिंग यू कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको जैसे ब्रेवरी, हेट, इन्हें हम छू नहीं सकते, बस इन्हें महसूस कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें देख सकते। जैसे कि कोई दुखी है, हम उसका दुख को देख नहीं सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। फिर हम इन्हें और अच्छे से देखते हैं। जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है डॉग, बिल्डिंग, कार, सिटी, मूवी, स्ट्रीट। अब इन्हें हम अगर प्रॉपर नाउन में चेंज करेंगे तो डॉग का बन जाएगा बुच, मतलब कि ये बुच वाली उस ब्रीड का है। बिल्डिंग, बिल्डिंग है ताजमहल। कार, फोर्ड मस्टैंग। सिटी, सिटी में आ गया बूस्टन। मूवी, मूवी हम देख के आए टेकन की। स्ट्रीट, स्ट्रीट हैगी कानबे स्ट्रीट या एबीसी स्ट्रीट, कोई भी। जब हम उन्हें स्पेसिफाई कर देंगे तब वो हमारे प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने कैटेगराइज्ड किया हुआ है यहाँ पे कंसेप्चुअल हेडलाइंस के थ्रू। तो ये देखो, फीलिंग्स, फीलिंग्स के अंदर हमारी आते हैं एनजाइटी, फियर, सिंपथी। फिर आते हैं स्टेट, जैसे फ्रीडम, चाओज, लग्जरी। इमोशंस, इमोशंस के अंदर एंग्री, जॉय, सोरो, मतलब हमारे इमोशंस भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हैं। स्टेट्स, जो भी हमारा स्टेट है, हम फ्री हैं, फ्री सोच रहे हैं या कैसे हैं, फीलिंग्स हमारी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। फिर क्वालिटीज़ भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं, जैसे करेज, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी और हमारा जो भाव है वो सारे क्वालिटीज़ के अंदर आ गए। कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स में अपॉर्चुनिटी, कंफर्ट, डेमोक्रेसी, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट्स है, जैसे बर्थडे है, चाइल्डहुड है, मैरिज है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं सारे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं साथ के साथ। इसके बाद आता है हमारा जेंडर स्पेसिफिक नाउन। जेंडर स्पेसिफिक नाउन होता है जो हमें ये बताता है कि मेल है या फीमेल है, वो हमारा जेंडर स्पेसिफिक नाउन होता है। इसमें दो आते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन। मस्कुलिन होता है मैंस के लिए, मेल के लिए, और फेमिनिन जो फीमेल वगैरह के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मेल के लिए बॉय, ब्रदर, एम्पीरियर, फादर, जेंटलमैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ग्रैंड मास्टर, हस्बैंड, मैन, मास्टर। और फेमिनिन के अंदर आता है हमारी फीमेल्स के लिए, जैसे एक्ट्रेस, आंट, डॉटर, गर्ल, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, टाइग्रेस, वेट्रेस, वाइफ, विच, वुमेन। ठीक है, अब एक आती है जिरेंड। जिरेंड ये जो होती है ये हमारी वर्ब के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे कि जब हम वर्ब के पीछे आई एन जी लगा देते हैं तो वो जिरेंड बन जाता है। इसमें मेनली आई एन जी का फॉर्मूला लगा हुआ है। आई एन जी में जैसे रनिंग द टैप विल क्लियर द एयर पॉकेट, शी इज़ नोइंग फॉर टॉकिंग क्वाइटली, माई हाई लाइट वॉज व्यूइंग विजिटिंग न्यूयॉर्क। ये हमारे जिरेंड बनाते हैं, टॉकिंग, रनिंग, विजिटिंग।
ऑल जीरेंड्स एंड आई एन जी। एज जीरेंड इज़ अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, ये फॉर्म्ड है वर्ब से, और रनिंग, क्विकली, गैसिंग, बेकिंग, ये सारे के सारे हमारे जीरेंड हैं आई एन जी वाले, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि वर्ड से ही कंप्लीट हो रहा है कि काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और नॉन काउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ काउंटेबल नाउन्स होंगे जैसे कैट, कैट का कैट्स, ये कैट हो गया सिंगुलर में और ये कैट्स हो गया प्लूरल में। कैट्स कितने भी हों, अगर 10 कैट हैं, 20 कैट हैं, कहीं पे भी हम उन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो आ गई हमारी काउंटेबल नाउन के अंदर। नॉन काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनका मास या वॉल्यूम फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होती हैं। ये मतलब नॉन, ये नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, विदाउट प्लूरल फॉर्म के होते हैं ये नाउन, जैसे ऑनेस्टी, पेशेंस, एट्सेट्रा। इनके हम आगे कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये कैटेगराइज कर रखे हैं हमने नॉन काउंटेबल नाउन्स को, जैसे कंसेप्ट, कंसेप्ट में आ गया हमारा ब्रेवरी, ऑनेस्टी, पेशेंस, एक्टिविटी, एक्टिविटी में प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग। हम ये नहीं बता सकते हम कितना प्ले किया है हमने, रीडिंग हमने कितनी की है और क्या क्या समझ आया हमने, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। हमने जो भी समझाया, जो भी हमें उससे मॉरल वैल्यू सीखने को मिली। स्लीपिंग, हम कितना अच्छा सोए, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। अब फ्रूड में, फूड में ब्रेड, बटर, मिल्क, गैस में एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, हम ये नहीं बता सकते कि हमने कितनी एयर, ऑक्सीजन जो है हमने ली है, वो काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हीलियम, हाइड्रोजन, लिक्विड में आते हैं कॉफ़ी, पेट्रोल, वाटर, कोई भी लिक्विड चीज़ होगी वो हमारी नॉन काउंटेबल के अंदर आएगी। मटेरियल, कंसेप्ट, वुड, मेटल, आइटम कैटेगराइज होती है। फिर लग्जरी, मनी, सॉफ्टवेयर, मनी हमारी नॉन काउंटेबल है कि ये इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉइन्स और नोट को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। फिर आता है नेचुरल फिनोमिना जैसे ग्रेविटी, स्नो, सनशाइन। फिर पार्टिकल्स जैसे डस्ट, फ्लो, शुगर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसे नाउन। अब हम इनके है ना वो देखेंगे कि कैसे इनके जो रूल्स हैं हमारे नाउन्स के वो सारे। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लेना।